फोकस होगा ना पियानो पे, पीछे हट जाता है। कमीशन जिसके बेसिस पे हमने कुछ सरप्राइज नाके डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एस्टेब्लिश किए थे, धनवा नाके पे वी इंटरसेप्टेड वन टाटा मोबाइल व्हीकल बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK11B8033। इस गाड़ी के सर्च के दौरान 7 kg ऑफ हेरोइन हमने रिकवर की है। FIR रजिस्टर की हमने पुलिस स्टेशन रजौरी में, FIR नंबर 484/2020 अंडर सेक्शन 8A, 21 and 60 ऑफ NDPS एक्ट, और इसमें हमने एक आदमी को हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है, जिसका नाम है तारिक अहमद गनई, सन ऑफ गुलाम अहमद गनई, आरोप बचरू, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और हम देख रहे हैं इसके आगे लिंकेजेस क्या हैं, कहां से ये हीरोइन आई है और कहां आगे ये जानी थी, वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखेंगे। बट प्रिलिमिनरी स्टेज पे हम इतना बता सकते हैं कि ये हीरोइन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से आई है जी। सर इतना ये 7 kg है हीरोइन, जैसे मैंने पहले भी बताया, और इंटरनेशनल मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ, मगर करोड़ों में इसकी वैल्यू है, तकरीबन 5 से 7 करोड़ के बीच में इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होगी। सर ये चीज अभी तक हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पता है कि यहाँ पे इनके खिलाफ कोई भी FIR रजिस्टर नहीं है जिस आदमी को अरेस्ट किया है। बाकी जिलों से भी डेटा कलेक्ट करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि पहले कितनी जगहों में इन्होंने डील किया है ड्रग ट्रेड में, और वो चीजें भी हम सर, सामने लेके आएंगे। हीरोइन की जितनी भी रिकवरीज रजौरी पुंछ में हुई है उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस LOC स्मगलिंग का कहीं ना कहीं जिक्र आता रहा, क्या हम इस तरह का कोई भी इनपुट इस केस में अभी तक सामने आया है क्रॉस LOC स्मगलिंग के रिलेटेड? जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से ये कंसाइनमेंट ड्रग्स की आई है, तो हम रूल आउट भी नहीं कर सकते हैं कि अगर इसमें क्रॉस LOC का भी एंगल इन्वॉल्व होगा। जो भी चीजें होंगी वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ जाएंगे। जो ना रहेगा डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक जंग लड़ रही है नार्को टेररिज्म पे। पहले भी काफी सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिसमें नार्को टेरर फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है। इस चीज में भी हम ये चीज देखेंगे कि अगर इसमें टेरर के लिंक्स होंगे वो चीज भी तफ्तीश के दौरान सामने हम लेके आएंगे। क्या एक ही आदमी सर पकड़ा गया है? फिलहाल एक आदमी पकड़ा गया है जिसकी पोजीशन से ये सारे ड्रग्स मिले।